ये है कुछ जंगल के एरिया, ये रास्ता नीचे जा रहा है जहाँ से अपने जाना है। वो ब्रिज क्रॉस करके वो दिख रहा होगा, वो वाला ब्रिज क्रॉस करके जाएंगे, उसके बाद एक प्यारा सा व्यू दिखाऊं। क्या बात है, मतलब ये वाटरफॉल का व्यू है। अब इतना ही दिख सकते हैं, अभी नीचे जाएंगे तो वहाँ से पूरा दिखेगा। ये बिल्कुल टॉप का व्यू है, मतलब एक नंबर का व्यू है यार। और ये सुमायरा कर लिए नीचे, धन्य सुमायरा बेबी, चमायरा बेबी आ गए हैं। आ जाओ, तो इतनी गाड़ियाँ पार्किंग में आई हुई हैं। तो ये कुछ एरिया है जहाँ से हमने ट्रैक करके जाना है। तो सीढ़ी है और ये देखो ऐसा कुछ है, लोग जा रहे हैं। चलो रीशु का ट्रैक नहीं है पसंद बिल्कुल भी, कह रही है कहाँ लेके आए हैं जंगल में, जंगलों में। पर हमें व्यू देखने होते हैं अच्छे अच्छे। क्यों, मतलब मंकी आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, छुपा ले अब। तो सबके आगे मार कर मंकी छीन के ले जाएगा, लगाई करने लग जाएगा तेरा शेर। तो यही छोड़ दो बंदरों के साथ। ये दोबारा गोवा आने का बहाना बना रही है। छुपा ले बेटा, मंकी आ जाएगा, छुपा ले इसको। तो फाइनली पहुंच के वाटरफॉल पे व्यू दिखाता हूँ आपको। तो ये व्यू है वाटरफॉल का, है ना। तो वो जो बीच में ब्रिज दिख रहा है ना, ये वाला, ये वाला, ये ट्रेन की लाइन है। और इससे और भी अच्छा लगता है ना वाटरफॉल ऊपर से। ये बहुत बड़ा है, इधर उधर से आप देखोगे वीडियो में शायद इतना बड़ा नहीं लग रहा होगा, बट एक्चुअल में ना बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा वाटरफॉल है। एरिया है यहाँ पे आने जाने का, बड़ा डिफिकल्ट है। देखो मतलब बड़ी मुश्किल से लोग आ जा रहे हैं इधर से, इधर से। ट्रैकिंग करके आ गए हमारे सोनीपत वाले। अभी आए हैं लंच के बाद ऑर्गेनिक स्पाइस शॉप। सारे मसाले हैं जो ऑर्गेनिक होते हैं यहाँ पे दिखाते हैं, मतलब रखते हैं ये लाके। हाँ जी, क्या लोगे सर? सब कुछ है। हम ले रहे हैं घर के लिए मसाले, चाट मसाला। ये देखो चाट मसाला है, ये चना मसाला, वो कौन सा छोले भटूरे का मसाला। तो सारे मसाले रखे हुए हैं। चूल्हे किस लिए रखे हुए हैं? यहाँ आने के बाद खुशबू मसालों वाली आने लग गई है ना। ओके, बाद में ख़राब होने का बाद उसका जूस बनाया जाता है, जैसे वो जो साइड में मशीन है उसमें जूस बनाया जाता है। बाद में उस कंटेनर में, मतलब उस हांडी में डाला जाता है और नीचे से फायरिंग किया जाता है। बाद में उस पाइपिंग का थ्रू में उस ड्रम में जाता है, उस कंटेनर में। उसमें जाने से बाद पहला होता है उरा, उसमें 30-40% अल्कोहल होता है, उरा को डिस्टिलेशन के लिए रख देते हैं। लास्ट में होता है फैनी। ऐसा नहीं कि खाली गोवा में जेंट्स लोग पीते हैं, जैसे छोटे बच्चे, लेडीज़ को जैसे ठंडी जुकाम होता है, गले से आवाज़ नहीं निकलता है, फैनी में थोड़ा सा चीनी मिला के शुगर और उसको गर्म करके पिलाते हैं, जल्दी ठीक हो जाए। मैं खुद पीती हूँ, हम लोग यहाँ पे सब लोग पीते हैं। ऐसा नहीं, तो कॉमन है ना, जैसे अडुल सा, जैसे आप लोग यहाँ से। तो बस प्यार है चलने के लिए, यहाँ से जाएंगे सीधा होटल। रास्ते में बड़े अच्छे व्यू थे, सुबह तो हम सो गए थे।